अब प्लेट में लगा दी है दोस्तों गुपचुप, और रोहित हम लोग को निकाल के देगा, बना बना के देगा। उतना स्पीड नहीं गुपचुप वाला, पास तीन आदमी चार आदमी खाता है एक साथ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग देखे थे कि हम लोग लोडिंग पे आए हुए हैं अंगूल में, तो लोड उड कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं लोड उड करके शाम तक यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से अपना देखते हैं कौन सा रूट से जाना है कि रोड यहाँ से दो दो बता रहा है, एक देवगढ़ भी होकर बता रहा है और एक बता रहा है आपको संबलपुर होकर के। तो जो अच्छा लगेगा जो जचेगा अपना देखते हैं किलोमीटर में क्या फ़र्क पड़ता है, रास्ता में क्या अपना हाइट गाड़ी है तो देखना पड़ता है कि गाड़ी कोई पुलिया उलिया कोई ब्रिज व्रिज ऐसा नहीं ना है, तो पता करके निकलेंगे। ठीक है दोस्तों पहले लोड कराते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी रोहित देख लीजिए आम काट रहा है, पिछले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि इतना आम ये चुना था जो पेड़ से गिरा था सारा वही आम है। और दोस्तों देख सकते हैं हमारा सब्जी भी बच गया है, 12 बजने ही वाला है, आज थोड़ा लेट हो गया है। तो खाने के साथ दोस्तों अभी हम लोग आम भी खाने वाले हैं, इसलिए आम कट रहा है अभी। देखिए दोस्तों कल तो उड़ीसा में बहुत आंधी तूफान आया था, तो वही इतना आम गिरा है, पूरा रोड में आम गिरा हुआ है। कल आम देखे सुबह तर अभी जहाँ लोड करने के लिए गए थे तो वहाँ आम देख रहे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, आम का पेड़ था बड़ा बड़ा, तो हम देख रहे बढ़िया बढ़िया आम है और अभी भी गिर रहा, हवा चल रहा है तो उठा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया आम चुन लिए अभी काट लिए हैं खाने के लिए। हाँ आम दोस्तों मीठा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, अभी काट लिया, आप देखिएगा आप लोग अभी चावल साथ खाएंगे इसको भी। दोस्तों हमारा खाना बन गया है, आज थोड़ा जल्दी बन गया खाना, तो आज पहली बार सिर्फ आलू का सब्जी बना है, इसमें सोयाबीन वगैरह भी कुछ नहीं डाले हम लोग, और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ में आम है, आम देखिए बहुत ज़्यादा है, तो आम को भी खाना है इसके साथ में। हम लोग गाँव में भी रहते थे, जब भी भात खाते थे तो आम भी लेके साथ में खाते थे, सभी लोग खाते हैं आज का, अभी तो सीजन आ गया आम का। दोस्तों अपना लोडिंग भी चालू है, पीछे अपना लोडिंग भी चालू है, अपना इधर खाना पीना भी हो रहा है और आम भी हम लोग खा रहे साथ में चावल के साथ में, और ये भी लगा हुआ है आपने, बहुत मीठा है लगता है। कितना खा गया होगा सुबह से? दो चार वो खाए हैं, ज्यादा कहाँ खाए। सुबह से मुंह उसका तल ही रहा है, सुबह जब से आम आया है वहाँ पर बगान में थे तो वहाँ भी खा ही रहा था और चुन भी रहा था और यही कर रहा था। देखिए अभी पूरा इतना आम है, अभी सब खाएंगे, सब मिलजुल के खाएंगे सब। और पिछला ब्लॉग में हम लोग देखे थे कि हम जो लोड करने आए हैं वो कार्टून का टुकड़ा रद्दी उद्दी है, हो सकता है उधर जाए कोई कागज फैक्ट्री में जाता होगा फ्रेश बनता होगा, तो जाने के बाद ही मालूम चलेगा। तो ठीक है दोस्तों अभी खाना उन्होंने खाते हैं अभी। दोस्तों अभी हमारा खाना तो हो गया है और गाड़ी भी आधा लोड हो गया है, ये देखिए गाड़ी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे गोडाउन है, तो अभी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, रोहित आगे बढ़ा रहा है और पापा वो छोटा एक गाड़ी है उसको भी हटाना पड़ेगा क्योंकि वो बीच में हो जा रहा है दोस्तों, इसीलिए अभी गाड़ी को रोहित थोड़ा आगे करेगा। और सबसे दिक्कत करता है तार, देखिए तार सटा हुआ, अब इसको उठाना पड़ेगा, ये रहा दोस्तों बल्ली, अभी इसे उठाना पड़ेगा तार को यहाँ पे, वो गाड़ी को पापा बाहर निकालेंगे तब जाके हमारा गाड़ी लोड होगा, ये वाला गाड़ी है। देखिए अभी इतना गाड़ी हमारा लोड हुआ है, आधा लोड हुआ है अभी, आगे कर आगे कर, तार उठाइए तार उठाइए तार तार उठाइए, बस लगाइए। तार उठ गया दोस्तों, अभी रोड भी देखना पड़ेगा, रोड अभी खाली है। आजा आजा, बस बस रुक जा, ये गाड़ी क्या है दोस्तों के बीच में घुसा हुआ था, इसीलिए इसको अभी इसको हटाएंगे तब जाके होगा। तार को उठा के अभी साइड में करना है गाड़ी को, चल चल बस बस बस, बहुत स्पीड ले जाता है गाड़ी, कितना स्पीड का है। दोस्तों अभी शाम के 6 बज गया है और हमारा गाड़ी अभी तक लोड हो ही रहा है, और उसके पीछे कारण ये था कि बीच में दोपहर में जो है 2-3 घंटा का ब्रेक लग गया था, कारण कि ये मेरा गाड़ी देख रहे पूरा सीट जो है पूरा गर्म हो गया था, और ये जो कार्टून है टूटा फूटा हुआ तो अंदर में सरियाना पड़ता है, तो इतना गर्म हो गया था ना कि अंदर आदमी रह नहीं पा रहा था, बोला कि भैया बहुत अंदर गर्मी दे रहा है रह नहीं पा रहे हैं, तो बोला कि शाम में आके कर देंगे लेकिन आज रात को 8-9 बजे तक करके निकाल देंगे आपको, तो हम भी चलो ठीक है, गर्मी तो है भाई यार, ऐसे भी टीना का गाड़ी है
सब तरफ से गरम गरम, आदमी सही में नहीं टिक पा रहा था, हम भी अंदर गए थे तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अभी लोडिंग मेरा चालू है, आ गया सब कर रहा है, 8-9 बजे तक कर ही देगा ये लोग। अगर कार्टून बंधा हुआ रहता ना तो हो जाता, लेकिन खुला है, छितराया हुआ है, तो वही में थोड़ा टाइम लग रहा है। दोस्तों अभी शाम तो हो गया, तो हम लोग अभी थोड़ा नाश्ता वगैरह कुछ करने का मन कर रहा है। गाड़ी में तो कुछ है नहीं, चौमिन ही था, तो अभी उसको बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे रोड के उस पर देख सकते हैं, रोड के उस पर एक गुपचुप का लगाया हुआ है, तो अभी हम और रोहित जा रहे हैं, जो मिलेगा गुपचुप मिलेगा या चाट मिलेगा लेके आते हैं। और अभी मौसम भी थोड़ा अच्छा कर रही है, शाम हो जाने के बाद इधर मौसम अच्छा हो जाता है, और बारिश जब होता है तब और भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी ठंड बारिश हुआ तो मन नहीं भरा, कल तो बहुत डर गया था दोस्तों, जब गाड़ी हिल रहा था ना तब तो इसका हालत ख़राब हो रहा था, पलट जाएगा। चलिए ठीक है, तो पलटा नहीं अच्छी बात है, लेकिन अभी मौसम जब ठंडा हो जाता है तो अच्छा लगता है। अब सोने यहाँ पे आप अगर नहीं भी होगा तो आराम से सो सकते हैं ना, कम से कम हवा पूरा आएगा। तो आगे है दुकान के पास, देखते क्या मिल रहा है। दोस्तों चाट का सोच के गए थे लेकिन चाट तो नहीं मिला, गुपचुप ही मिला, तो गुपचुप ले लिए है। आइए देखिए इसका गुपचुप ले लिए, अब यही खाते हैं। मेरे पापा यहाँ बैठे हुए हैं, कुर्सी वहाँ आइए, लेके आ गए हैं, एक प्लेट में ले आ निकाल के उसी में फिर हम लोग खाते हैं। गिलास में डाल दो उसका झोल ठो, उसका पानी ठो, और जो फिर गुपचुप में से डाल डाल कर खा लेगा इसी तरह। कैसे दे रहा है? 10 रुपये किलो। किलो अब प्लेट में लगा दी है दोस्तों गुपचुप, और रोहित हम लोग को निकाल के देगा, बना बना के देगा। ठीक है, उसे ना गिलास से डाल कर दो, उससे टूट जाएगा। मैं इधर लगी रखिए, रखिए उसको, उतना स्पीड नहीं गुपचुप वाला, पास 3 आदमी 4 आदमी खाता है एक साथ। अरे इसमें हल्का ऊपर से डाल के देना तब सही रहेगा, तो कनिया गिर जाएगा ना, बातों मेरा नहीं समझ। कैसा लग रहा, टेस्ट ठीक है? ठीक है, तो गुपचुप वाला ज़्यादा खाते नहीं है, लेकिन आ गया तो चलो। दोस्तों अपना गाड़ी अभी लोडिंग चालू है, और लोड तो हो जाएगा, लगता है आधा घंटा लगेगा और उतना तक लोड हो जाएगा, तो उसका बिल्टी उल्टी मिल जाएगा, हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से, यहाँ रुकने का काम नहीं है। लेकिन एक पूरा 100% रहेगी गाड़ी, अपना लोड हो जाएगा, आधा घंटा और लगेगा और ज़्यादा ज़्यादा। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुका है और अपना गाड़ी लोड भी हो गया, और लोड हो गया तो लोड करते करते खाना भी बन गया अपना गाड़ी में, और चले हम लोग अब खाने के लिए। और उसके बाद अभी कागज़ उगज मिला नहीं है, तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं। और वहीं पर सारा बहुत अच्छा व्यवस्था था, नहाने धोने का था, तो हम लोग कपड़ा वड़ा फीस उच लिए तो बहुत अच्छा रहा। तो ठीक है दोस्तों, अब खाना ना खाते हैं, तब तक मेरा कागज भी हो सकता आ जाए, तो फिर यहाँ से निकलेंगे अभी हम लोग। दोस्तों आज खाने में हमारा बना है आलू पटल का भुजिया, मार्केट से लाए थे पटल, वही लेके बनाए हैं, वही आलू पटल का भुजिया। अभी गर्मी में तो खैर भुजिया भुजिया ही खाने में ठीक लगता है। ठीक है दोस्तों, अभी खाते हैं भुजिया। दोस्तों हमारा कागज़ मिल गया और हम निकल गए हैं, अभी हम लोग करीब अंगूल लगभग पहुँच ही गए हैं, और अंगूल पार करके फिर अपना उधर देखते हैं। रात में इधर का रोड में तो बहुत दिन हुए चला हुआ, हमको काफ़ी हम लोग 7-8 साल हो गया, बहुत सारा रास्ता बन गया, क्या हुआ तो आगे जाकर कहीं ढाबा पर रुकेंगे, फिर अपना दिन दिन में चलेंगे, अपना टेंशन तो है नहीं सब गाड़ी में। और दोस्तों आप लोग का कमेंट आ रहा था कि आप क्या स्पीड में चलाते हैं गाड़ी, तो गाड़ी तो ये सब जो है मतलब 40-45 तक 50 तक ठीक है, ज़्यादा भगाएंगे तो तेल मेरा ही जलेगा, और ऐसे भी गाड़ी जो है 40-50 तक ही चलाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो हम तो कोई भी गाड़ी जो है मतलब 40-50 से ज़्यादा चलाए नहीं कभी हम, उससे क्या ये आराम चलते हैं तो तेल भी अच्छा खाता है और गाड़ी भी अपना ठीक रहता है, कहीं इमरजेंसी को ब्रेक मारना हुआ कुछ हुआ तो आदमी गाड़ी खड़ा कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो वही देखिए हम 40-45 ही मतलब हार्डली 50, उससे ज़्यादा कभी हम नहीं गए। दोस्तों आजकल तो लड़का लोग देखते हैं बहुत ही मतलब बाइक जो है बहुत गलत चलाता है, और कटिंग करना, एक बेग गाड़ी का आगे आ जाना, फिर झोल मारना, ये सब बेकार है। जिंदगी है तो जहान है, हम अपने आँख से देखे हुए हैं। कुछ मेरा दोस्त का लड़का ही था, और बर्थडे पार्टी मना रहा था तो गाड़ी ऐसा चला रहा था, दुर्घटना हो गया, डेट कर गया लड़का, बाइक भी चला गया और एक्सीडेंट भी हो गया। तो आजकल के जो बच्चा लोग है, नया बच्चा लोग, वो लोग कहना चाहेंगे कि बाइक थोड़ा सा आराम से चलाओ बाबू। देखो गाड़ी है कभी भी धोखा दे सकता है, गलत चलोगे तो ऐसा चलना नहीं है। और क्या है ना कि बाइक आजकल का बहुत सा स्पीड में बाइक निकल गया है, लेकिन अब अपना कंट्रोल है, जितना चला सकते हैं उतना ही, उससे ज़्यादा भी नहीं। दोस्तों अभी रात के 1 बज गया है, हम लोग ढाबा पर आ गए हैं, बहुत अच्छा है, पूरा पार्किंग है, बहुत सा गाड़ी लगा हुआ है यहाँ पर,
गार्ड वगैरह सब है, कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है। तो ये रोड अभी क्या है कि फांका रोड है, यहाँ संबलपुर करीब 110-120 किलोमीटर और है अभी। तो ठीक है दोस्तों, अभी जा रहे सोने के लिए, सुबह मिलते हैं और सुबह ही हम पार करेंगे वो संबलपुर वगैरह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है। तो सुबह हम वहाँ से चले थे, करीब 5 बज गया था हमको, 5 बजे सुबह उठ के चले थे और गार्ड भी ऐसे उठा ही दिया था हमको। तो वहाँ से उठ के चले, तो अभी मतलब सफ़र काट ही रहे हैं, अभी ठंडा ठंडा मौसम तो सफ़र काट ले रहे हैं। तो यहाँ रोके हैं थोड़ा देर के लिए बरस वस करने की, चाय पीने के लिए। अभी यहाँ से 70-80 किलोमीटर और संबलपुर बच गया है। तो ठीक है दोस्तों, अभी सफ़र काटते हैं और देखते हैं कहीं अच्छा जगह मिलेगा तो रुक के कहीं नाश्ता पानी होगा फिर। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं, अभी सफ़र काटते हैं। दोस्तों अभी सुबह सुबह मार्केट में गाड़ी रोके एक जगह नाश्ता करने के लिए, तो यहीं पे बाजार लगा हुआ है छोटा सा, तो यहाँ देखिए नाश्ता मिल रहा है, तो यहीं नाश्ता करेंगे। अभी समोसा मिल रहा है, समोसा है, पूरी है, जो खाना चाहिए नाश्ता पूरी दे दीजिएगा हमको भी, पूरी दे दीजिए। ये नाश्ता आ गया दोस्तों, देखिए ये नाश्ता हो रहा अभी हमारा। रोहित भी अभी आ गया है, रोहित भैया, रोहित भी बोले भैया। कचौड़ी खाएगा, समोसा खाएगा? ना ना, कचौड़ी खाएगा, समोसा गर्मी में नहीं सक रहा। देखो खा के बताओ टेस्ट। गरम है, गरम। ठीक है, नाश्ता तो हर जगह ठीक ही रहता है, नाश्ता कचौड़ी जो है मैदा वाला है। दोस्तों अभी नाश्ता करके तो हम लोग निकल गए थे, अभी थोड़ा सा ब्रेक लिए हैं, थोड़ा टायर वगैरह चेक कर रहे हैं, टायर में कोई गिट्टी वगैरह ना फंस गया हो। और दोस्तों एक आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि आप लोग इंस्टाग्राम में है या नहीं, तो इंस्टाग्राम में भी हम लोग है, तो आपको लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लीजिएगा। RRajesh07 करके अपना इंस्टाग्राम में भी चैनल है, शायद हम लोग पहले कभी बताए ना हो, लेकिन है इंस्टाग्राम में दोस्तों हमारा एक आईडी है, तो आप लोग जाके वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी क्या है कि कुछ लोगों को पता चल गया है, तो वो लोग कभी कभी इंस्टाग्राम में हमें सब्सक्राइबर भाई लोग कॉल करते हैं तो पापा से बात करवा देते हैं। अगर आप लोगों को कभी कुछ मैसेज वगैरह या फिर कॉल वगैरह करना हो तो आप इंस्टाग्राम में कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोग आपको रिप्लाई दे देंगे अच्छे से, पापा से भी बात करवा देंगे। और अभी तो देखिए यहीं पर जंगल में रुके हुए हैं, अच्छा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों यहाँ अभी थोड़ा सा ब्रेक किए हैं, थोड़ा मौसम यहाँ ठंडा है, अच्छा लग रहा है, पेड़ के नीचे थोड़ा सा 2 मिनट टायर चेक करना पड़ता है, क्योंकि रोड में इतना गर्मी है ना, टायर भी चेक करना ज़रूरी है। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्या है कि आज संडे है, तो काफ़ी लेट भी हो जाएगा, और आप लोगों को मालूम है कि हमारा रायपुर का माल है, तो रायपुर कल हो सकता है रात तक हम रायपुर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये सब देखने के लिए आपको अगला ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा कि रायपुर का मेरा माल खाली होने का। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।